आज का हमारा टॉपिक कन्फाइंड स्पेस एंट्री से रिलेटेड है कि कन्फाइंड स्पेस एंट्री क्या चीज़ है, उसमें क्या क्या हैज़र्ड्स होते हैं, उसके क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, उन हैज़र्ड से कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट इज़ अ कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस क्या चीज़ है? अ कन्फाइंड स्पेस इज़ एन इनक्लोज्ड और पार्शली इनक्लोज्ड स्पेस दैट इज़ लार्ज इनफ कन्फिगर्ड दैट एन एम्प्लॉय कैन बॉडीली इंटर एंड परफॉर्म हिज वर्क। एक कन्फाइंड स्पेस एक बंद जगह होती है या जुज़वी तौर पे बंद जगह होती है जिसके अंदर एक एम्प्लॉई मुश्किल से दाखिल होकर के अपना काम परफॉर्म कर सकता है। हैज़ लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड मीन्स ऑफ एंट्री और एग्जिट। उसका एंट्री पॉइंट जो है या एग्जिट पॉइंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, लिमिटेड होता है। उसके अंदर दाखिल होना या उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। नॉट डिज़ाइंड फॉर कॉन्टीन्यूस ह्यूमन ऑक्यूपेंसी। किसी भी इंसान के कंटिन्यूस काम करने के लिए नहीं बना हुआ होता। फॉर एग्जांपल अंडरग्राउंड आपके टैंक हैं, उसके अंदर फिर आगे आपकी लाइट के इश्यूज़ आ जाते हैं, इल्यूमिनेशन के इश्यूज़ आ जाते हैं। हैज़ लिमिटेड और नो वेंटिलेशन, आपका वेंटिलेशन का मसला आ जाता है या लिमिटेड होती है। हैज़ द पोटेंशियल फॉर अनसेफ एटमोस्फेरिक कंडीशन, उसके अंदर किसी जहरीली गैस का जो है वो हो सकता है, उसके अंदर जहरीली गैस हो या उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होता है या और कोई जो एटमोस्फेरिक कंडीशन है उस पर हो सकता है मौजूद हो, जिसकी वजह से काम आप करने में दिक्कत महसूस करें। गर्ज ऐसी जगह जो एक इंसान के कंटिन्यूस काम करने के लिए ना बनी हो, जिसकी एग्जिट और एंट्री लिमिटेड हो, जिसकी इल्यूमिनेशन का प्रॉब्लम हो, जिसके अंदर वेंटिलेशन का प्रॉब्लम हो, एटमोस्फेरिक कंडीशंस हो, उसको हम कन्फाइंड स्पेस कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक्सकवेशंस। एक्सकवेशन मतलब खुदाई। एक्सकवेशन डीपर देन 1.2 मीटर विल बी कंसिडर्ड एज कन्फाइंड स्पेस अनलेस दे मीट दी फॉलोइंग कंडीशन और क्राइटेरिया। वो खुदाई, वो एक्सकवेशन जो 1.2 मीटर से गहरी हो, उसको हम एज अ कन्फाइंड स्पेस कंसिडर करते हैं, बशर्ते के उसमें ये फॉलोइंग कंडीशन हों तो हम उसको कन्फाइंड स्पेस कंसिडर नहीं करते। द एक्सकवेशन विथ इज मोर देन द डेप्थ अलाउिंग ऑल्सो सफिशेंट नेचुरल वेंटिलेशन। इसका ये मतलब है खुदाई की जो चौड़ाई है उसकी गहराई से ज़्यादा हो, जो काफ़ी हद तक आपको कुदरती वेंटिलेशन जो है उसको अलाउ करती है, अंदर आने की इजाज़त देती है। कुदरती वेंटिलेशन आपके पास होती है, किसी वेंटिलेशन मैकेनिकल वेंटिलेशन वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। सनलाइट आपके पास इनफ होती है, एक्सेस एग्रेस उसमें प्रॉपर होती है। सुइटेबल एंड सफिशेंट एक्सेस इज़ प्रोवाइडेड इन मोर देन वन लोकेशन। जैसे मैंने जिक्र किया कि एक्सेस उसमें प्रॉपर होती है, सुइटेबल मुनासिब तौर पर एक्स्ट्रा जो है एक्सेस आपको प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल हर 5 मीटर या 10 मीटर के बाद आपको एक एक्सेस दी जाती है। देयर इज़ नो इक्विपमेंट और एक्टिविटीज़ इन इमीडिएट विसिनिटी देन चेंज द एटमोस्फेरिक कंडीशन। वो जो एक्सिवेटेड एरिया है वहाँ पे कोई ऐसा इक्विपमेंट या कोई इस किस्म की सरगर्मी जो है एक्टिविटी नहीं हो रही जो माहौल को असरअंदाज करे, जिसकी वजह से माहौल की हालत को तब्दील किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री। नेक्स्ट है जी हैजर्ड्स। एन एरर इन आइडेंटिफाइंग और एवेल्यूएटिंग पोटेंशियल हैजर्ड्स कैन हैव मोर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। हैजर्ड की डेफिनेशन तो आपको पता ही होगी, जिसकी वजह से नुकसान होता है उसमें ह्यूमन लाइफ भी जा सकती है या जो है प्रॉपर्टी डैमेज भी हो सकता है। तो मुमकिन खतरात की शनाख्त या अंदाज़ा करने में गलती की वजह से ज़्यादा संगीन नतज सामने आ सकते हैं। मोर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इन सम केसेज द कंडीशन इन सम केसेज द कंडीशन इन अ कन्फाइंड स्पेस आर ऑलवेज एक्सट्रीमली हैजर्डियस। कुछ ऐसे केसेज होते हैं जिसके अंदर कन्फाइंड स्पेस में काम करते वक्त जो कंडीशन होती है वो एक्सट्रीमली डेंजरस होती है, हैजर्डियस होती है। इन अदर केसेज कंडीशन आर लाइफ थ्रेटनिंग। कुछ ऐसे केसेज होते हैं जिसके अंदर आपकी जान जाने का खतरा होता है। अंडर एन अनयूजुअल कम्बिनेशन ऑफ सरकमस्टांसेस, किसी भी उसमें डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, डिफरेंट सरकमस्टांसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से इंसानी जान जा सकती है। दिस वेरिएबिलिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी इज़ वाई द प्रोसेस ऑफ हैजर्ड एंड रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड मस्ट बी टेकन वेरी सीरियसली ईच एंड एवरी टाइम वन इज़ डन। तो इसी की वजह से, क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं हैजर्ड्स कन्फाइंड स्पेस के, क्योंकि आपने उस प्रोसेस में से गुजर के काम करना है, तो जो प्रोसीजर है उस इसीलिए बनाया गया है कि वो तमाम हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाए, एक प्रॉपर असेसमेंट की जाए, उनको जो है रिड्यूस किया जाए, किल किया जाए ऑब्जर्वेशंस को।
ये एक तगैयर और गैर मुतवक्के होने की वजह से खतरा या खतरे की शिनाख्त और उसकी जो तशखीस है, उसकी असेसमेंट है, उसके अमल को अहम और इसे हर बार बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन को। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल हैज़र्ड्स वाइल पर्सनल वर्क इनसाइड द कन्फाइंड स्पेस। जब भी कोई आदमी कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहा होता है तो दो किस्म के हैज़र्ड्स होते हैं, एक एटमोस्फेरिक हैज़र्ड है, एक फिजिकल हैज़र्ड है। तो नेक्स्ट इसके ऊपर बात करते हैं एटमोस्फेरिक हैज़र्ड। ये हमारे पास कुछ साइन बोर्ड हैं जो दिए गए हैं एटमोस्फेरिक हैज़र्ड के रिलेटेड। जस्ट एज ए एग्जाम्पल, एटमोस्फेरिक हैज़र्ड की डेफिनेशन ये है, वर्कर्स नीड टू इंटर इन टू कन्फाइंड स्पेसिस ओनली एज अ लास्ट पॉसिबल वे टू गेट दी वर्क डन। कारकुन जो हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, उनको कन्फाइंड स्पेस में दाखिल होने की ज़रूरत है तो काम करने का आखिरी मुमकिन तरीका वही होना चाहिए कि आप प्रॉपर एक प्रोसीजर को फॉलो करें इनसाइड एंड एज इस ब्रीथिंग इज इसेंशियल टू स्टे अलाइव। जैसा आपको पता है, सांस लेना बहुत ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। एंट्रेंस कैन कम अप विद फेसिंग फॉलोइंग पोटेंशियल एटमोस्फेरिक हैज़र्ड। तो कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो लोग दाखिल होंगे वो मंदरजा झैल एटमोस्फेरिक हैज़र्ड उनको फेस कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन डेफिशिएंसी या ऑक्सीजन कम हो जाएगी होने के चांसेस हैं, ऑक्सीजन एनरिचमेंट, हद से ज़्यादा ऑक्सीजन वो भी अच्छी नहीं है, फ्लेमेबल एक्सप्लोसिव एटमोसफियर, आग लगने का खतरा होता है या धमाका होने का खतरा होता है एटमोसफियर ऐसा अंदर का, एकमुलेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेज या केमिकल्स, कोई अंदर जहरीली गैसें जो हैं वो जमा हो जाती हैं या अंदर कोई केमिकल जमा हो जाता है। तो ये जो है कंपोजिशन ऑफ जो है गैसेज है इन एयर, जिसमें नाइट्रोजन हमारे पास है 78.8%, ऑक्सीजन है हमारे पास 20.95%, और आर्गन है 0.93%, और 0.04% जो है वो अदर गैसेज हैं। ऑक्सफोर्ड डिफाइंस एज ऑक्सीजन डेफिशिएंट एनी एटमोसफियर दैट कंटेन्स लेस देन 19.5% ऑक्सीजन। एज पर ओशा, किसी भी जगह पे 19.5% से कम हो ऑक्सीजन तो उसको हम ऑक्सीजन डेफिशिएंसी कहेंगे। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग स्पेशली ह्यूमंस टू लिव बट इन राइट रेशियो। ऑक्सीजन जो है तमाम जानदार जो इस दुनिया में रह रहे हैं उनके ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक करेक्ट रेशियो में होनी चाहिए। इवन इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एटमोसफियर बट इन डेफिशेंट रेशियो, इट कैन टेक सीरियस और कॉज फैटल कॉन्सिक्वेंसेज। अगरचे ऑक्सीजन हमारे एटमोसफियर में मौजूद है लेकिन एक डेफिशेंट रेशियो में है, जितनी रेशियो एक जिंदा रहने के लिए एक इंसान को चाहिए या जानदार को उससे कम है, तो भी इसके बहुत बुरे नतज हो सकते हैं। ऑक्सीजन डेफिशेंसी कैन बी कास्ट बाय, ऑक्सीजन डेफिशेंसी पैदा होती है, ये कुछ वजूहात नीचे दी गई हैं, जिसमें हार्ड वर्क है जैसे कर वेल्डिंग है, केमिकल रिएक्शंस हैं जैसे कि ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल और मेटल रस्टिंग, बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, डिस्प्लेसमेंट बाय गैसेस लाइक ऑर्गन, जब ऑर्गन आदि निकलती है तो वो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देती है, नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तमाम जो गैसेज हैं ये डिस्प्लेस कर देती हैं ऑक्सीजन को। अदर पॉसिबल काजेज ऑफ ऑक्सीजन डेफिशिएंसी कैन बी, कुछ मजीद इसके काजेज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी क्यों होती है उसमें, पर्जिंग ऑफ कन्फाइंड स्पेस विद एन इनर्ट गैस, गैर फॉल गैस के साथ जो कन्फाइंड स्पेस है उसको साफ करना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर इन लो पॉइंट्स ऑफ कन्फाइंड स्पेसिस बाय हैवियर गैसेज फॉर एग्जाम्पल CO2, कन्फाइंड स्पेस की वो जगह जहाँ पे एयर के लो पॉइंट्स हों वहाँ पे ऑक्सीजन को डिस्प्लेसमेंट कर देती है CO2, बायोलॉजिकल प्रोसेस विच कंज्यूम्स ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल के ऐसे कुछ प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन यूज़ की जाती है फॉर एग्जांपल सीवर्स, स्टोरेज टैंक्स एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स। अ क्लोज्ड वेसल कैन कंज्यूम ऑक्सीजन ड्यू टू रस्टिंग प्रोसेस, एक बंद जो वेसल है उसका जो रस्टिंग का प्रोसेस है आपको पता है लोहे को जंग लगता है, उसके अंदर भी ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, एग्जॉस्ट फ्यूम्स इंटरिंग टू प्रॉक्सिमिटी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जो एग्जॉस्ट के फ्यूम्स हैं, जो धुआं निकल रहा है जो प्लांट के अंदर जो मशीनरी वगैरह है उससे भी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन एनरिचमेंट। वाइल नॉर्मल एटमोसफियर कंटेन बिटवीन 20.8 एंड 21% ऑक्सीजन, ओशा डिफाइंस एज ऑक्सीजन एनरिचमेंट एनी एटमोसफियर दैट कंटेन मोर देन 22%। नॉर्मल जो हमारा एटमोसफियर है उसमें डिफरेंट अब स्टैंडर्ड्स हैं, मैंने अब यहाँ पे जैसे 20.8 मेंशन किया है, नॉर्मली 19.5 जो है वो भी है, 19.5 टू 23.5 भी एक स्टैंडर्ड है,
तो ये आपने अपने अपने जो है HSE डिपार्टमेंट उन लोगों से कंफर्म करना है। ये जस्ट एक एग्जांपल है। तो जो भी जगह जहाँ पे ऑक्सीजन जो है 22% से ज़्यादा होगी एज़ पर ओशा, वो ऑक्सीजन एनरिचमेंट इन्वायरमेंट है। ऑक्सीजन एनरिच एटमोसफियर प्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट फायर एंड एक्सप्लोजन रिस्क। जहाँ पे भी ऑक्सीजन एनरिच्ड होगी, जितनी चाहिए उससे ज़्यादा क्वांटिटी में होगी, वहाँ पे आग लगने का या धमाका होने का खदशा ज़्यादा होता है। हिंस काजिज फ्लेमेबल एंड कम्बस्टिबल मटेरियल टू बर्न वायलेंटली वैन इग्नाइटेड। तो जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगी वहाँ पे आग ज़्यादा लगेगी अगर थोड़ा सा भी उसको सोर्स ऑफ इग्निशन मिला। कंडीशंस रिजल्टिंग टू ऑक्सीजन एनरिच्ड एनवायरनमेंट, लीक फ्रॉम वॉग्स होजेस, गैस कटिंग टॉर्चेस। जो आपको पता है गैस कटिंग हम करते हैं, उसके अंदर हम लोग आर्गन गैस के साथ साथ ऑक्सीजन भी यूज़ करते हैं, तो वहाँ से हो सकता है कि ऑक्सीजन गैस लीक कर रही हो। डेलिबरेट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू इंक्रीज द लेवल ऑफ एन ऑक्सीजन डेफिशिएंट एटमोसफेयर। जो ऑक्सीजन की कमी वाला माहौल है, जो ऑक्सीजन की कमी वाला एक इन्वायरमेंट है, उसकी सतह को बढ़ाने के लिए जानबूझकर जो है ऑक्सीजन का इजाफा करना वहाँ पे। स्टोर और प्लेसमेंट ऑफ कंप्रेस्ड टैंक्स इनसाइड और नियर टू अ कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस के आसपास या उसके अंदर जो है कंप्रेस्ड टैंक जो है, कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर जो है, उनको स्टोर। नेक्स्ट हमारे पास फ्लेमेबल एटमोस्फेरिक हैजर्ड। ऐसा एटमोसफियर जिसमें आग लगने का खतरा हो, आग लगने के खतरे का हैजर्ड हो। टू थिंग्स मेक द एटमोसफेयर फ्लेमेबल, ऑक्सीजन इन द एयर एंड फ्लेमेबल गैस वेपर और डस्ट इन द राइट मिक्सचर। दो चीज़ों की वजह से हमारा एटमोसफेयर फ्लेमेबल होता है, उसमें आग लगती है। एक तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपको पता है कि एनरिच एनवायरमेंट हमारे पास ऑलरेडी, हम इसमें ज़िंदा भी रह रहे हैं ऑक्सीजन की वजह से, वो ऑलरेडी मौजूद है। तो राइट मिक्सचर जो है उसमें हमारे पास फ्लेमेबल गैस या वेपर या डस्ट मौजूद हो हवा के अंदर, वो छोटा सा उसको एक सोर्स ऑफ इग्निशन चाहिए जिसकी वजह से एक बड़ा धमाका हो सकता है या जो है आग लग सकती है। कुछ हमारे पास इग्निशन सोर्सेज की एग्जांपल्स हैं स्पार्किंग और इलेक्ट्रिक टूल्स है। इलेक्ट्रिक टूल की वजह से स्पार्किंग होती है, वेल्डिंग कटिंग ऑपरेशन है, आप जानते हैं कि इसमें स्पैटर्स जनरेट होते हैं, या स्मोकिंग। मेजर्स टू कूप फ्लेमेबल एटमोसफियर, आतिशगीर जो हमारा है माहौल, आग लगने का माहौल, उससे निपटने के लिए हमने क्या क्या मेजर्स लेने हैं। सरफेसेस कोटेड विद कम्बस्टिबल मटेरियल्स शुड बी क्लीन और शील्डेड टू प्रिवेंट इग्निशन। ऐसी सरफेस जिसके ऊपर कम्बस्टिबल मटेरियल मौजूद हो उसको प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, या जो है वो प्रॉपर शील्ड उसके ऊपर लगी होनी चाहिए ताकि सोर्स ऑफ इग्निशन से वो दूर रहे, प्रिवेंट रहे। डू नॉट ब्रिंग फ्यूल और फ्यूल कंटेनर्स इन टू कन्फाइंड स्पेस। फ्यूल या फ्यूल के जो कंटेनर्स हैं उनको कन्फाइंड स्पेस के अंदर नहीं लेके आना। फॉर एग्जाम्पल गैसोलीन या प्रोपेन, ये हाईली फ्लेमेबल हैं। इफ़ पॉसिबल, अगर ज़रूरत हो तो, सॉरी इफ़ पॉसिबल अगर मुनासिब हो तो। इंश्योर वेल्डिंग इक्विपमेंट इज़ इन गुड कंडीशन। इंश्योर करें जो आप वेल्डिंग इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं कन्फाइंड स्पेस के अंदर वो एक अच्छी हालत में हो। वेरी अप्रोप्रिएट यूज़ स्पार्क रेजिस्टेंट टूल, जहाँ पे भी कोशिश करें मुनासिब हो स्पार्क रेजिस्टेंट टूल यूज़ करें। एंड मेक श्योर ऑल इक्विपमेंट इज़ बॉन्डेड और ग्राउंडेड प्रॉपरली। और तमाम जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, चाहे वो वेल्डिंग प्लांट है, इलेक्ट्रिक टूल्स हैं, ग्राइंडर्स वगैरह हैं, उनका मेक श्योर करें कि वो ग्राउंड हुए हुए हैं। मैकेनिकल वेंटिलेशन, ब्लोअर्स, फैंस इज़ नेसेसरी टू मेंटेन एयर क्वालिटी। कन्फाइंड स्पेस के अंदर ये बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आपको वेंटिलेशन का इशू है, कि मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, जैसे कि ब्लोअर फैंस वगैरह उसमें लगे होने चाहिए ताकि वो अंदर की एयर क्वालिटी मेंटेन रखें। नेक्स्ट है टॉक्सिक एटमोस्फेरिक हैजर्ड। ऐसा एटमोसफियर जिसमें जहरीली गैसें मौजूद हों। टॉक्सिक गैसेस कैन बी प्रेजेंट इन कन्फाइंड स्पेस बिकॉज द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज टॉक्सिक सब्सटेंस एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस और बायोलॉजिकल और केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोडक्ट बींग स्टोर्ड इन द टैंक एंड फ्रॉम मेंटेनेंस एक्टिविटीज बींग परफॉर्म्ड इन द कन्फाइंड स्पेस। जहरीली गैसें जो हैं वो कन्फाइंड स्पेस में मौजूद हो सकती हैं, हो सकता है वो जो टैंक बना है उसको बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया गया हो, या जो है कोई बायोलॉजिकल या केमिकल ब्रेकडाउन करके उसके अंदर उसका जो है स्लज टाइप कोई स्टोर किया गया हो, या जो है मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ किया जा रही हो जिसके, जैसे कि वेल्डिंग वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं कन्फाइंड स्पेस के अंदर, उसका जो धुआं उठ रहा है वो भी एक जहरीली गैस है। कॉमन टाइप्स ऑफ टॉक्सिक गैसेस इनकाउंटर्ड इन कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो जहरीली गैसेस हैं वो, उसमें सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड आ जाती है,
सीवर गैस है, कलरलेस गैस है विद द ऑर्डर ऑफ रोटन एग्स, इसकी गंदे अंडों की तरह थोड़ी सी स्मेल होती है। एक्सेसिव एक्सपोजर हैज़ बीन लिंक्ड टू मैनी कन्फाइंड स्पेस डेथ्स, अगर आप हद से ज़्यादा इसके सामने एक्सपोज होते हैं, इसको सांस के साथ अंदर ले जाते हैं, तो मैक्सिमम इंसानों की डेथ हो जाती है कन्फाइंड स्पेस के अंदर। हाइड्रोजन सल्फाइड काजेज अ लॉस ऑफ आवर सेंस ऑफ स्मेल, इसकी वजह से जो सूंघने की हिस है वो आपकी ख़त्म हो जाती है, काजिंग पीपल टू मिस्टेकनली थिंक दैट द गैस हैज़ लेफ्ट द प्लेस, इसकी वजह से जब आपकी सूंघने की हिस ख़त्म होगी तो लोग ये समझते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड उस जगह से ख़त्म हो गई है। हाइड्रोजन सल्फाइड इनहिबिट द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन ऑन द सेलुलर लेवल एंड काज फिजिशियन, सॉरी मुझसे ये वर्ड नहीं कहा जाता, बहुत हार्ड है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है सेलुलर लेवल पे आपके बॉडी में जाके अफेक्ट करता है और इसकी वजह से आपका दम घुटने लग जाता है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी एक ऑर्डरलेस गैस है, कलरलेस गैस है, दैट इज़ फॉर्म्ड बाय बर्निंग, ये बर्निंग जो प्रोसेस है उसके दौरान जो है जनरेट होती है। कार्बन बेस्ड फ्यूल जैसे कि गैस या वुड, कोई भी जलने का अमल है उसके बाद जो गैस प्रोड्यूस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। जैसे कि नॉर्मली आप देखते हैं हम लोग घरों में बिजली पैदा करने के लिए छोटे लेवल पे जनरेटर्स रखे हुए होते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि उनको बाहर रखें, बाहर स्टोर करें, क्योंकि उनके एग्जास्ट या सिलेंसर से जो स्मोक निकल रहा है वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है या है। कार्बन मोनोऑक्साइड इनहिबिट्स द बॉडी एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, जो CO है इसका फार्मूला, कार्बन मोनोऑक्साइड आपके बॉडी के अंदर एबिलिटी, जो सेल्स होते हैं जो खून के थ्रू ऑक्सीजन तमाम पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है उसको वो रोकती है। ये एक चार्ट दिया गया है कि हाइड्रोजन सल्फाइड के ह्यूमन हेल्थ पे क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो अगर 10 PPM है बिगनिंग आई इरिटेशन, आपकी आंखों में इरिटेशन शुरू हो जाएगी, खारिश शुरू हो जाएगी। 50 to 100 PPM है, PPM का फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन, 50 to 100 PPM है तो स्लाइट रेस्पिरेटरी ट्रैक इरिटेशन आफ्टर 1 आवर एक्सपोजर, आपकी जो सांस लेने की नाली है उसके अंदर इरिटेशन शुरू हो जाएगी 1 घंटे की अगर एक्सपोजर आपने ली। 100 PPM कफिंग आई इरिटेशन लॉस ऑफ स्मेल आफ्टर 10 to 15 मिनट्स, आपको खांसी शुरू हो जाएगी, आंखों में जलन शुरू हो जाएगी, आपका सांस लेने की जो हिस्सा वो ख़त्म हो जाएगी 12 से 15 मिनट के अंदर अंदर। अल्टर्ड रेस्पिरेशन पेन इन दी आईज, आंखों में दस्त हो जाएगी, एंड ड्रोजीनेस आफ्टर 15 to 30 मिनट्स, 15 से 30 मिनट के बाद ड्रोसीनेस आपको फील होगी, फॉलोड बाय थ्रोट इरिटेशन आफ्टर 1 आवर, और गले में शदीद खराश होगी 1 घंटे बाद। सेवरल आवर एक्सपोजर रिजल्ट इन ग्रेजुअल इंक्रीज इन सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स एंड डेथ मे अकर विद द नेक्स्ट 48 आवर, तो अगर आप कई घंटे इस गैस के सामने एक्सपोज होते रहे हैं तो हो सकता है कि फिर आपके सिम्टम्स में सिवियरिटी आ जाए और नेक्स्ट 48 आवर्स में खुदा न खास्ता आपकी डेथ हो सकती है। अगर 200 to 300 PPM है सीवियर रेस्पिरेटरी ट्रैक इरिटेशन आफ्टर 1 आवर ऑफ एक्सपोजर, पॉसिबल पल्मोनरी एडिमा फ्लूड्स इन लंग्स, अगर 200 से 300 PPM में आपने एक्सपोज हुए हैं तो सीवियर आपको सांस लेने में दुश्वारी होगी 1 घंटा एक्सपोज हुए अगर, और पॉसिबल है कि आपके लंग्स के अंदर पानी पड़ जाए या फ्लूड किसी किस्म का। 500 to 700 PPM में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस पॉसिबल डेथ इन 30 मिनट्स to 1 आवर, अगर 500 से 700 PPM के दरमियान आप एक्सपोज हुए हैं तो आप एक तो बेहोश हो जाएंगे और डेथ पॉसिबल है 30 मिनट से लेके 1 घंटे के दरमियान। नेक्स्ट है 700 से 1000 PPM पे है रैपिड अनकॉन्शियसनेस, आपको दोबारा वही मतलब बेहोश हो जाएंगे, लॉस ऑफ रेस्पिरेशन एंड डेथ आफ्टर 1 to 3 मिनट, आपकी जो है सांस लेने में दुश्वारी होगी, नहीं ले सकते, और 1 से 3 मिनट के अंदर अंदर आपकी डेथ हो जाएगी। 1000 से 2000 PPM है तो अनकॉन्शियसनेस एट वंस, आप एक ही दफ़ा बेहोश होंगे, लॉस ऑफ रेस्पिरेशन एंड डेथ इन फ्यू मिनट्स, आप सांस नहीं ले सकते और फ्यू मिनट्स में आपकी डेथ हो जाएगी। डेथ में अकर इफ इंडिविजुअल इज रिमूव टू फ्रेश एयर एट वंस, हो सकता है कि अगर आप इंडिविजुअल को फ्रेश एयर में ले गए तब भी उसकी जो है डेथ हो जाए। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड के क्या हेल्थ इफेक्ट होंगे ह्यूमन हेल्थ पे, ये एक चार्ट है उसका, कि अगर 50 PPM हो तो परमिसिबल एक्सपोजर लेवल फॉर 8 आवर्स एज पर ओशा, और 200 हो तो पॉसिबल माइल्ड फ्रंटल हेडेक इन 2 to 3 आवर्स, सर में दर्द शुरू हो जाएगा। अगर 400 है तो फ्रंटल हेडेक एंड नॉजी आफ्टर 1 to 2 आवर्स, ओसिपिटल आफ्टर 2.5 hours to 3.5 hours, 800 है तो हेडेक डिजीनेस एंड नॉजी इन 45 मिनट्स, कोलाप्स एंड पॉसिबल डेथ इन 2 आवर्स,
1600 पे है तो हेडेक, डिजीनेस एंड नोजिया इन 20 मिनट्स, कोलाप्स एंड डेथ इन 1 आवर। 3200 है तो हेडेक एंड डिजीनेस इन 5 to 10 मिनट्स, अनकॉन्शियसनेस एंड डेंजर ऑफ डेथ इन 30 मिनट्स। 6400 है तो हेडेक एंड डिजीनेस इन 1 to 2 मिनट्स, अनकॉन्शियसनेस एंड डेंजर ऑफ डेथ इन 10 to 15 मिनट्स। 12800 है तो इमीडिएट इफेक्ट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, डेंजर एंड डेथ इन 1 to 3 मिनट्स। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल हैजर्ड्स। कन्फाइंड स्पेस के अंदर फिजिकल हैजर्ड्स क्या क्या होंगे? कन्फाइंड स्पेसेस आर द प्लेसेस नॉट डिजाइंड फॉर ह्यूमंस, रादर डिजाइंड फॉर स्टोरेज प्रोसेसिंग ऑफ केमिकल्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, हेंस देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल हैजर्ड्स प्रेजेंट। कन्फाइंड स्पेस वो जगह है जो एक इंसान के काम करने के लिए ना डिज़ाइन की गई हो, बल्कि वहाँ पे कोई स्टोरेज का आपका जो है टैंक हो सकता है, या कोई केमिकल लिक्विड टाइप आपने वहाँ पे स्टोर करना है, तो उसके अंदर उसके हिसाब से मुख्तलिफ फिजिकल हैजर्ड्स होंगे। कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं, लूज एंड अनस्टेबल मटीरियल, स्लिप ट्रिप एंड फॉल हैजर्ड्स, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, मूविंग पार्ट्स ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी, इलेक्ट्रिकल शॉक, पुअर विजिबिलिटी, टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, नॉइस, ह्यूमिडिटी फैक्टर्स, इनगल्फमेंट हैजर्ड्स, रिस्क ऑफ ड्राउनिंग दैट इज फ्लडिंग ऑफ कन्फाइंड स्पेस, लूज ग्रैनुलर मटीरियल स्टोर्ड इन बिन्स एंड हॉपर्स, ग्रेन्स, सैंड या कोल, वाटर एंड सीवरेज फ्लो। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फिजिकल हैजर्ड्स की जो एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर हो सकते हैं। ये कुछ साइंस हैं इनके रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल मैयर्स। कंट्रोल मैयर्स हैड प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन टू कोप द हैजर्ड्स ऑफ कन्फाइंड स्पेस। कंट्रोल मैयर्स जो हैं कन्फाइंड स्पेस के जो फिजिकल हैजर्ड्स हैं उनको निपटने के लिए कुछ कंट्रोल मैयर्स हैं जिनको फॉलो करना है। उनमें सबसे पहले PTW रिक्वायर्ड परमिट टू वर्क सिस्टम होना चाहिए, उसको फॉलो करना है। फिर है GSA रिस्क असेसमेंट या मेथड ऑफ स्टेटमेंट, MS ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ऑल इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड पर्सन, फर्स्ट एडर, कन्फाइंड स्पेस एंट्री सर्टिफिकेट ऑन द एंट्रेंस, गैस टेस्टिंग बाय अप्रूव्ड या ऑथोराइज गैस टेस्टर, PPEs अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, वार्निंग साइन, नो एंट्री विदाउट PTW। ये तमाम चीज़ें आपने फॉलो करनी है, एक प्रोसीजर है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट भी कुछ चीज़ें हैं, टेली बोर्ड्स जो मैं बताना पहले भूल गया हूँ, सॉरी, ग्रीन बोर्ड्स ऑफ बैजेस, ट्रेंड होल वॉचर मैन विद लॉक शीट एंड विजिबल वेस्ट, BA सेट, ब्रीथिंग अपरेटस सेट, रेस्क्यू प्लान, रेस्क्यू इक्विपमेंट्स, एयर हॉर्न या विसल्स, लैंड यार्ड विद हार्नेस, गैस मोनिटर एज रिक्वायर्ड, एजुकेट वेंटिलेशन इंस्टॉल्ड या AC प्रोवाइडेड इफ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है परमिट रिक्वायरमेंट्स। जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया कि परमिट लाजमी चाहिए जब भी आपने कन्फाइंड स्पेस के अंदर इंटर होना है। परमिट टू वर्क विद ऑल रिक्वायरमेंट्स इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर एन एक्टिविटी इन कन्फाइंड स्पेस। परमिट टू वर्क जो है उसकी मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है किसी भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने के लिए। नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन टू बी एक्वायर्ड एज लिस्टेड एज फॉलोज। उसके साथ जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लाजमी आपने उनके साथ लगाना है, जिसमें PTW ऑथोराइजेशन है, प्रॉपर ऑथोराइज जो पर्सन है वो आपको अलाउ करेगा, सेफ वर्क मेथड स्टेटमेंट, रिस्क असेसमेंट या GSA, मार्क ड्राइंग्स, एटमोस्फेरिक टेस्ट सर्टिफिकेट, एंट्री एग्जिट लॉग शीट पोस्टेड एट द एंट्रेंस ऑफ कन्फाइंड स्पेस। ये तमाम चीज़ें आपने PTW के साथ अटैच करनी है। फर्स्ट रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट मस्ट बी कम्प्लीटेड बिफोर एनी एंट्री टू कन्फाइंड स्पेस आइडेंटिफाइंग द फॉलोइंग। रिस्क असेसमेंट किसी भी कन्फाइंड स्पेस में एंट्री से पहले कम्प्लीट होनी चाहिए, जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें डिफाइन की गई हों, आइडेंटिफाई की गई हों, इस कन्फाइंड स्पेस एंट्री इसेंशियल, क्या कन्फाइंड स्पेस में जाके काम करना ज़रूरी है। सीक्वेंस ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म इन कन्फाइंड स्पेस, काम करने का जो सीक्वेंस है वो लाजमी आइडेंटिफाई होना चाहिए। स्पेसिफिक हैजर्ड्स नाउन और एंटिसिपेटेड, तमाम हैजर्ड्स उसके अंदर जो है मैंशन होने चाहिए। कंट्रोल मेजर्स टू बी इम्प्लीमेंटेड टू एलिमिनेट और रिड्यूस दी हैजर्ड्स टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। कंट्रोल मेजर्स इम्प्लीमेंट होने चाहिए ताकि वो जो हैजर्ड है उसको रिड्यूस किया जाए, एलिमिनेट किया जाए, या मिनिमम एक्सेप्टेंस जो उसका लेवल आवाम तक ले आया जाए। ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स, अवेयरनेस ट्रेनिंग स्पेशली फॉर CSE कन्फाइंड, CSE मतलब कन्फाइंड स्पेस एंट्रेंस रिलेटेड जॉब्स इज मैंडेटरी फॉर ऑल इन्वॉल्व पर्सनल फॉर फॉलोइंग अप्रिशिएटिव क्रीडेंशियल। तमाम लोग जो भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाके काम कर रहे हैं उन तमाम लोगों को ज़रूरी हिदायत, ज़रूरी ट्रेनिंग लाजमी दी जानी चाहिए, जिसमें हैजर्ड रिकोजिशन, PTW प्रोसीजर्स, यूज़ एंड मेंटेनेंस एंड
इंटरप्रिटेशन ऑफ गैस डिटेक्टर्स, जो गैस डिटेक्टर्स हैं वो हर एक को यूज़ करना आना चाहिए, और वो गैसों की जो LEL है, PEL है, वो तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए। यूज़ ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट एंड PPE, BA, PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, BA, ब्रीथिंग एपरेटस, रेस्पिरेटर्स, रिट्रीवल हार्नेस एंड लाइन्स। यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, एमरजेंसी इवैक्यूएशन एंड रेस्क्यू प्रोसीजर इंक्लूडिंग सेल्फ रेस्क्यू। नेक्स्ट है जी हमारे पास वार्निंग साइंस। ये एक वार्निंग साइन की एग्जाम्पल है, जहाँ पे भी कन्फाइंड स्पेस है वहाँ पे वार्निंग साइन लाजमी होने चाहिए। परमिट रिक्वायर्ड, नो अनऑथोराइज एंट्री, और परमिट टू वर्क इज मैंडेटरी। कन्फाइंड स्पेस मस्ट बी लेबल एज अ पार्ट ऑफ हैजर्ड कम्युनिकेशन फॉर द पर्सनल वर्किंग अराउंड और हैव पोटेंशियल टू इंटर दी कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस के बाहर आपने साइन बोर्ड लाजमी पेस्ट करने हैं, ताकि जो लोग उसके आसपास काम कर रहे हैं उन तमाम को पता हो कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो है जाके काम करना है, या उसके अंदर जाने का जिनका चांस हो। साइन बोर्ड्स भी एक हैजर्ड कम्युनिकेशन का एक तरीका होता है, आप अपनी बात दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। एटमोस्फेरिक टेस्टिंग, एन ऑथोराइज गैस टेस्टर AGT इज स्पेशलाइज्ड विद स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट कैन कंडक्ट एटमोस्फेरिक टेस्टिंग टू इंश्योर द एयर इन साइड द कन्फाइंड स्पेस इज सेफ टू ब्रीथ। एक ऑथोराइज गैस टेस्टर जो है वो ही विद स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट गैस टेस्टिंग करता है कन्फाइंड स्पेस के अंदर, और बताता है कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर आप जाके काम कर सकते हैं या नहीं, या जो ब्रीथिंग लेवल है गैसेस का वो ठीक है या नहीं। AGT विल चेक ऑल एरियाज ऑफ कन्फाइंड स्पेस फ्रॉम आउटसाइड। वो बाहर बैठ के AGT, उसके पास एक गैस डिटेक्टर होता है, उसके पास साथ एक बाकायदा पाइप अटैच होता है, वो बाहर बैठ के टॉप, मिडल और बॉटम डिफरेंट लेवल्स पे गैसेस चेक करता है। एक्सप्लोसिव की गैसेस या टॉक्सिक गैसेस, हर किस्म की गैसेस, ऑक्सीजन लेवल वो चेक करता है, और उसके बाद वो एक आपको बताता है, परमिट साइन करता है कि इसके अंदर कौन सी गैस कितने परसेंटेज में मौजूद है या जीरो है। द गैस टेस्टर शेल रिकॉर्ड ऑल द रिकॉर्डिंग्स इन गैस टेस्ट सर्टिफिकेट। वो जो गैस टेस्ट सर्टिफिकेट है, जो परमिट के ऊपर भी बार दफ़ा बना हुआ होता है या उसके साथ अटैच होता है, वो तमाम गैसेज उसके ऊपर रिकॉर्ड करता है कि कौन सी गैस कितनी क्वान्टिटी में इसके अंदर मौजूद है। द सेफ रीडिंग फॉर अलाउइंग द एंट्री आर गिवन फॉलोज। किसी भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री होने के लिए जो सेफ लेवल है गैसेस का वो फॉलो दर्ज ज़ैल है। ऑक्सीजन 20.9 to 21%, ये डिफरेंट है, जैसे मैंने पहले बताया 19.5 to 23.5 के दरमियान होना चाहिए। फ्लेमेबल गैसेज वेपर बिलो 10% LEL फॉर कोल्ड वर्क एंड 0% LEL फॉर हॉट वर्क। LEL का फुल फॉर्म है लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट। और टॉक्सिक गैस या वेपर या मिस्ट जो हैं उनके लिए बिलो द PEL ऑफ द प्रोडक्ट। PEL का मतलब है परमिजिबल एक्सपोजर लिमिट। गुड एयर नियर द ओपनिंग डज नॉट मीन देयर इज गुड एयर एट द बॉटम। अगर आप किसी कन्फाइंड स्पेस के एंट्री पॉइंट के करीब खड़े होकर काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल और होगा, तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उस कन्फाइंड स्पेस की बॉटम पे भी वही एटमोस्फेरिक लेवल है। ऑलवेज टेस्ट दी एयर एट वेरियस लेवल्स टू बी श्योर दैट दी इंटायर स्पेस इज सेफ। हमेशा जो गैस टेस्ट है वो किसी भी कन्फाइंड स्पेस के डिफरेंट लेवल्स पर होना चाहिए, ताकि आप मेक श्योर करें कि पूरी की पूरी कन्फाइंड स्पेस सेफ है। नेक्स्ट है जी आइसोलेशन लोटो, लॉकआउट टैग आउट। सेंडिंग अ वर्कर इन टू कन्फाइंड स्पेस इज डेंजरस, स्पेशली इन साइड मशीनरी दैट कैन बी पावर्ड ऑन एंड एट एनी टाइम। किसी भी वर्कर को कन्फाइंड स्पेस के अंदर भेजना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, स्पेशली किसी मशीन के अंदर, जो बड़ी लेवल की मशीन्स होती हैं, जैसे सीमेंट मिल है, उसके अंदर रॉ मिल होती है, वो भी कन्फाइंड स्पेस है, क्योंकि मशीन किसी भी वक्त पीछे से ऑन हो सकती है। दिस नीड्स टू इंश्योर दैट मशीनरी एंड इक्विपमेंट आर डी एनर्जाइज एंड लॉकड आउट बिफोर वर्कर्स एंटर द स्पेस टू परफॉर्म ऑपरेशन इन्वॉल्विंग क्लीनिंग एंड सर्विसिंग। क्लोटो के जरिए आप मेक श्योर करते हैं कि जो मशीन है जिसके अंदर जाके वर्कर्स ने काम करना है, वो लॉकआउट टैग आउट हुई हुई है, डी एनर्जाइज हुई हुई है, कोई ये ना वो पीछे से चला दे, चाहे उन्होंने उसके अंदर जाके किसी भी किस्म का काम करना हो, चाहे वो क्लीनिंग है, मेंटेनेंस है या सर्विसिंग है। लॉकआउट टैग आउट इज़ द प्लेसमेंट ऑफ लॉकआउट डिवाइस अलॉन्ग विद द टैग आउट डिवाइस ऑन एन एनर्जी आइसोलेशन टू इंश्योर द इक्विपमेंट इज बींग कंट्रोल्ड कैन नॉट बी ऑपरेटेड अनटिल द लॉकआउट एंड टैग आउट डिवाइस इज रिमूव। ये एक प्रॉपर एक ताला होता है, इसके साथ एक टैग लगा हुआ होता है जिसके ऊपर डेट और टाइम तमाम चीज़ें मैंशनड होती हैं, और जहाँ पे आप इसको डीएनर्जाइज करते हैं किसी भी मशीन को, ये वहाँ पे लगा हुआ होता है। इसका मतलब ये है कि
ये कंट्रोल्ड एक है एनर्जी आइसोलेशन डिवाइस, इस कोई दूसरा आदमी आके इसको चला नहीं सकता जब तक वो आदमी इसको ना हटाए जिसने इसको लगाया वो। अगर कोई आदमी चलाने जाता भी है तो उसको पता चल जाएगा कि ये लोटो लगा हुआ है, आगे काम हो रहा है। नेक्स्ट है, कन्फाइंड स्पेस कैन कंटेन मूविंग इंटरनल पार्ट्स और मे बी कनेक्टेड टुगेदर विद वेसल्स, कंटेनर्स एंड इक्विपमेंट्स वाया पाइप्स एंड डक्ट्स। बिफोर यू एंटर कन्फाइंड स्पेस यू मस्ट चेक टू इंश्योर, हो सकता है कन्फाइंड स्पेस जिसके अंदर आप एंटर हो रहे हैं वो किसी वेसल के साथ या किसी कंटेनर के साथ या किसी और इक्विपमेंट के साथ वाया पाइप या वाया डक कनेक्टेड हो या उसके अंदर कोई और मूविंग पार्ट्स हो। तो किसी भी कन्फाइंड स्पेस में एंटर होने से पहले आपने मेक श्योर करना है ऑल मूविंग पार्ट्स आर आइसोलेटेड एंड टैग टू प्रिवेंट मूवमेंट, तमाम जो मूविंग पार्ट्स हैं वो आइसोलेट हुए हुए हैं और टैग हुए हुए हैं। ये ना हो कि आप अंदर काम करने के लिए गए हैं और वो किसी ने पीछे से मशीन चला दी है। ऑल पाइप्स एंड डक्ट्स लीडिंग इन टू एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस आर क्लोज टैग्ड एंड आइसोलेटेड टू प्रिवेंट इनफ्लो, तमाम पाइप या डक्ट्स जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर जा रही हैं वो मेक श्योर करें बंद है, उनको लॉक लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है, ताकि कोई आके वो वाल्व ओपन ना कर दे, कोई फ्लूड वगैरह उसके अंदर ना आ जाए। नेक्स्ट है एयर वेंटिलेशन, कन्फाइंड स्पेसेस कंटेन एटमोसफियर दैट आर फ्लेमेबल टॉक्सिक और वेयर ऑक्सीजन लेवल हैज़ बीन डिप्लीटेड और एनरिच्ड। कन्फाइंड स्पेस के अंदर जैसे पहले जिक्र किया मुख्तलिफ किस्म का एटमोसफियर हो सकता है, हो सकता है उसके अंदर फ्लेमेबल गैस हो सकता है उसके अंदर टॉक्सिक गैस हो सकता है उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा हो या कम हो। नेचुरल वेंटिलेशन इज जनरली इनसफिशियंट टू रिमूव कॉन्टेमिनेटेड एयर फ्रॉम द इनसाइड स्पेस एंड टू एक्सचेंज इट फॉर फ्रेश एयर फ्रॉम द आउटसाइड। जो नेचुरल वेंटिलेशन होती है लाजम वो कई दफ़ा इनसफिशियंट पड़ जाती है कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर से जो कंटेमिनेटेड एयर है, जो टॉक्सिक एयर है या जो फ्लेमेबल एयर है उसको निकालने के लिए और उसकी जगह फ्रेश एयर उसके अंदर डालने के लिए फ्रॉम आउटसाइड। द लैक ऑफ एयर एक्सचेंज अकर पार्टिकुलरली इन कन्फाइंड स्पेसिस दैट आर फ्यू ओपनिंग्स फॉर एक्सेस एंड ड्यू टू कन्फिगुरेशन ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इट सेल्फ। तो ये जो लैक होता है एयर एक्सचेंज जो आप करना चाह रहे हैं लेकिन ये कम होता है, या लैक ऑफ एयर एक्सचेंज ये किस वजह से होता है कि जो कन्फाइंड स्पेस है उसकी ओपनिंग लेवल बहुत कम है, सॉरी लेवल कह रहा हूँ, ओपनिंग्स बहुत कम है, एंट्री एग्जिट्स बहुत कम है। नॉर्मली तो ये होता है कि कन्फाइंड स्पेस के दो एंड्स पे ओपनिंग्स होती हैं, आप दोनों एंड से खोल दें तो नेचुरल वेंटिलेशन के थ्रू उसके अंदर फ्रेश एयर आ जाती है। लेकिन कुछ कन्फाइंड स्पेसिस ऐसी होती हैं कि उनकी ओपनिंग इतनी रिस्ट्रिक्टेड होती है कि फ्रेश एयर उसके अंदर जाके एक्सचेंज नहीं कर सकती। सो फर्स्ट ऑप्शन टू करेक्ट एटमोस्फेरिक प्रॉब्लम, एयर इनटेक इन सेफ लोकेशंस टू ड्रॉ फ्रेश एयर ओनली और कंटिन्यूस वेंटिलेशन वेन एवर पॉसिबल। इसके लिए आप मैकेनिकल वेंटिलेशन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल आपको पिक्चर में दिखा रहा है कि ब्लो फैन और डक्ट का यूज़ किया जा रहा है उसको फ्रेश एयर नेचुरल वेंटिलेशन के लिए। ये एक और जो है एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई, बेसिक मैंडेटरी पीपीई रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, उसमें सांस लेने की जो है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन आपके पास होनी चाहिए। लाइफ लाइन अटैच टू अ फुल बॉडी हार्नेस, करेक्ट हैंड ग्लव्स अकॉर्डिंग टू टास्क, हियरिंग प्रोटेक्शन, पर्सनल गैस मॉनिटर व्हेन रिक्वायर्ड, एस्केप ब्रीथिंग अपरेटस व्हेन रिक्वायर्ड और ब्रीथिंग अपरेटस इफ एप्लीकेबल। ये कुछ पीपीईज हैं जो मैंने मेंशन की हैं, वो कुछ नीचे एज अ पिक्चर एग्जाम्पल शो की गई हैं। ठीक है, ये तमाम पीपीईज किसी भी कन्फाइंड स्पेस में एंटर होने से पहले आपके पास मौजूद होनी चाहिए। नेक्स्ट है एस्केप ब्रीथिंग अपरेटस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं एस्केप ब्रीथिंग अपरेटस की। ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर कंप्रेस्ड एयर ब्रीथिंग अपरेटस, यूजली 10 मिनट्स ऑफ एस्केप टाइम बेस्ड ऑन 40 IPM कंजप्शन अवेलेबल विद मास्क एंड हुड। खुदा ने कहा आप कहीं कन्फाइंड स्पेस के अंदर फंस जाते हैं तो ये 10 मिनट का आपको टाइम देती है कन्फाइंड स्पेस के अंदर से निकलने के लिए। ये जैसे EBA ये एक एग्जांपल आपके सामने पिक्चर्स में दिखाई गई है, इसके साथ आपका एक मास्क होता है और हुड भी हो सकता है। नेक्स्ट है टूल्स एंड इक्विपमेंट, इफ द एटमॉस्फेयर इनसाइड अ कन्फाइंड स्पेस इज क्लासिफाइड एज फ्लेमेबल कम्बस्टिबल, नो इलेक्ट्रिकल टूल्स और टूल्स विद पोटेंशियल टू प्रोड्यूस स्पार्क्स और सोर्स ऑफ इग्निशन, फॉर एग्जाम्पल ग्राइंडर्स, नीडल गन्स आर अलाउड टू बी यूज। अगर डिटेक्ट हो जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर का जो माहौल है, एटमोसफेयर है,
वो फ्लेमेबल है, कंबस्टिबल है, तो कोई भी इलेक्ट्रिकल टूल उसके अंदर अलाउड नहीं होना चाहिए, या कोई ऐसा टूल जिसके अंदर पोटेंशियल हो जिसकी वजह से आग लग सकती है, जैसा कि ग्राइंडर्स है, नीडल गन्स हैं। और सो व्हेन इलेक्ट्रिक टूल्स आर टू बी यूज्ड एन अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और रेसिडुअल करंट डिवाइस मस्ट प्रोटेक्ट देम। सो इन केस अगर आपने इलेक्ट्रिक टूल यूज़ भी करना है उसके अंदर, तो उसके पीछे ईएलसी भी होना चाहिए, ठीक है, या जो है रेजिडुअल करंट डिवाइस, ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। एक्स्ट्रा लो वोल्टेज 24 वोल्ट एक्सप्लोजन प्रूफ लाइटिंग, नॉर्मली जो कन्फाइंड स्पेस है उसके अंदर हम 12 वोल्ट या 24 वोल्ट की लाइटिंग यूज़ करते हैं, 220 वोल्ट की लाइटिंग हम यूज़ नहीं कर सकते, ताकि एक्सप्लोजन से बचा जा सके, या फ्लेमेबल जो गैसेज हैं उसको फ्लेम, उसको सोर्स ऑफ इग्निशन ना मिले। प्रोटेक्टिव गार्ड्स टू प्रिवेंट ब्रेकेज, जो वायर्स हैं उनके ऊपर प्रॉपर गार्ड्स होनी चाहिए, ताकि लाइट्स वगैरह कट ऑफ ना हो, या जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं उनको ब्रेकेज ना हो। पावर टूल्स शेल बी फिटेड विद डेड मैन कंट्रोल स्विच, जो पावर टूल्स हैं उनके अंदर लाजमी है कि डेड मैन स्विच होना चाहिए, जैसे आप हाथ हटाएं और मशीन बंद हो जाए। इंस्पेक्शन एंड कलर कोडिंग, तमाम टूल्स की प्रॉपर एक इंस्पेक्शन होनी चाहिए और कलर कोड होने चाहिए। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं टूल्स की। इलेक्ट्रिकल स्पेशल प्रिकॉशंस, केबल सिक्योर्ड, सेफ रूट्स, प्रॉपर केबल मैनेजमेंट, ये इलेक्ट्रिकल टूल्स जो हैं उसकी एक स्पेशल प्रिकॉशन है कन्फाइंड स्पेस के अंदर, जिसके अंदर तमाम केबल्स सिक्योर्ड होने चाहिए, सेफ रूट्स होने चाहिए, प्रॉपर केबल मैनेजमेंट होने चाहिए। ट्रांसफार्मर्स एंड ईएलसीबीज मस्ट रिमेन आउटसाइड कन्फाइंड स्पेस, जो ईएलसीबी ब्रेकर्स हैं या ट्रांसफार्मर्स हैं वो कन्फाइंड स्पेस के बाहर ही होने चाहिए। फॉलो प्रॉपर आइसोलेशन प्रोसीजर, लोटो प्री यूज चेक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल टूल्स या कलर कोडिंग। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंडिविजुअल कॉम्पिटेंस, बिफोर एन इंडिविजुअल इंटर्स इंटू कन्फाइंड स्पेस मस्ट ही हैव रिसीव एडिक्वेट ट्रेनिंग, उसको प्रॉपर एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो भी आदमी उस कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाके काम करना चाह रहा है। बी फिजिकली फिट, फिजिकली फिट होना चाहिए। बी फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सच एज वर्टिगो और बुला बुला बुला, फिजिकल या साइकोलॉजिकली उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बी ऑथोराइज, प्रॉपर उसका ऑथोराइजेशन होनी चाहिए। बी अकम्पनेड बाई अनदर पर्सन, बॉडी सिस्टम अकेले नहीं भेजना उसको, बॉडी सिस्टम होना चाहिए फॉलो, कम से कम दो लोग उसके अंदर जाने चाहिए। इमरजेंसी अरेंजमेंट्स, इसमें हमारे पास है इंश्योर ऑल पर्सनल एग्जिट दी स्पेस इमिजिएटली, अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो इंश्योर करें तमाम लोग उसको जो है एग्जिट कर जाएं कन्फाइंड स्पेस को फौरन। नोटिफाई टू सुपरवाइजर दैट ऑल पर्सनल एवैक्यूएटेड, सुपरवाइजर को नोटिफाई करें कि तमाम लोग एवैक्यूएट हो चुके हैं। अंडर नो सरकमटांसेस अटेंडेंट और एनीबॉडी एल्स एंटर द कन्फाइंड स्पेस टू रेस्क्यू वर्कर्स, कुछ भी हो जाए अटेंडेंट या कोई और आदमी कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाके वर्कर्स को रेस्क्यू नहीं करेगा, जो ईआरटी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है वो ही आके रेस्क्यू करेगी। एन एमरजेंसी अकर इन द प्लांट, परमिट्स विल बी ऑटोमेटिकली कैंसल्ड, रीवैलिडेशन इज रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू। जो इंडस्ट्रियल लेवल है हमारा, जो प्लांट है, अगर खुदा ना करता कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो कोई भी परमिट जो इशू हुआ हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा, और दोबारा जब आप काम स्टार्ट करेंगे तो दोबारा काम स्टार्ट करने के लिए दोबारा रिवैलिडेशन चाहिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास रेस्क्यू रिक्वायरमेंट्स, रेस्क्यू रिक्वायरमेंट में सबसे पहले है अ रिटन प्लान ऑफ एक्शन दैट हैज़ प्रोविजंस फॉर कंडक्टिंग अ टाइमली रेस्क्यू ऑफ इंडिविजुअल, टाइमली रेस्क्यू ऑफ इंडिविजुअल विद इन अ कन्फाइंड स्पेस शुड एन एमरजेंसी अराइज, के करवाई गए एक तहरीरी मंसूबा होना चाहिए जिसमें हंगामी सूरत हाल पैदा होने की सूरत में या किसी भी इमरजेंसी से निपटने की सूरत में एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर तमाम जो अफराद मौजूद हैं उनको बचाया जा सके मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर। तो द रिटन प्लान शेल बी केप्ट ऑन साइड वेयर द कन्फाइंड स्पेस वर्क इज बीइंग कंडक्टेड, ऑल अफेक्टेड पर्सनल शेल बी ट्रेंड ऑन द रेस्क्यू प्लान। ये जो रिटन प्लान है ये उस साइट पे मौजूद होना चाहिए जहाँ पे कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम हो रहा है, तमाम लोगों को ट्रेनिंग होनी चाहिए रेस्क्यू प्लान की। ओनली ट्रेन एंड ऑथोराइज पर्सनल कैन एंटर इनटू कन्फाइंड स्पेस इन इवेंट ऑफ एन इमरजेंसी एंड परफॉर्म रेस्क्यू ऑपरेशन, सिर्फ वही लोग कन्फाइंड स्पेस के अंदर इंटर हो सकते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जिनको इसकी ट्रेनिंग दी गई है। जैसे ये एक एग्जाम्पल है पिक्चर के अंदर, ये तमाम आगे उनके रेस्क्यू के टूल्स हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सुपरवाइज़र, के सुपरवाइज़र की जो लोग कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं उस उनके सुपरवाइज़र की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले इंश्योर पीटीडब्ल्यू इज़ अप्रूव्ड एंड अवेलेबल बिफोर एंट्री, एक परमिट वर्क जो है अप्रूव्ड करवाना चाहिए
अप्रूव्ड पीटीडब्ल्यू उसके पास अवेलेबल है कोई भी काम करने से पहले या जो है कन्फाइंड स्पेस में एंट्री से पहले। एंश्योर एक्सेप्टेबल कंडीशन इन कन्फाइंड स्पेस एग्जिस्ट बिफोर ऑथराइजिंग एंट्री। किसी भी आदमी को कन्फाइंड स्पेस के अंदर भेजने से पहले मेक श्योर करें कि एक्सेप्टेबल कंडीशन है कन्फाइंड स्पेस की, वो आया कि वो काम करने के लिए रेडी है जगह या नहीं। इंश्योर दैट पर्सनल इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी आर ट्रेंड। इंश्योर करें कि जो लोग उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं वो लोग ट्रेंड हैं या नहीं है। मॉनिटर दी एक्टिविटी एंड टर्मिनेट कन्फाइंड स्पेस एंट्री वेन एवर एक्सेप्टेबल कंडीशंस आर नॉट प्रेजेंट। वो एक्टिविटी को मॉनिटर करता रहे और अगर उसे लगे कि कन्फाइंड स्पेस की जो प्रिकॉशंस हैं या जो एक्सेप्टेबल कंडीशन है वो अवेलेबल नहीं है तो फौरन अपने काम जो करना है उसने उसको टर्मिनेट कर दे एंट्री जो है। टू सपोर्ट दी होल वॉचर अथॉरिटी इन कंट्रोलिंग एक्सेस टू अ कन्फाइंड स्पेस। जो होल वॉचर है, जो SBM है, स्टैंड बाय मैन है, उसको जो उसकी अथॉरिटी है उसको असिस्ट करे, उसको हेल्प करे, सपोर्ट करे जो कन्फाइंड स्पेस एंट्री को रिकॉर्ड कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है। टू अश्योर दैट रेस्क्यू सर्विसेज आर अवेलेबल टू प्रायर एंट्री। जो मेक श्योर करे कि रेस्क्यू सर्विसेज अवेलेबल हैं कन्फाइंड स्पेस में एंटर होने से पहले, जैसे ये एक पिक्चर में एग्जांपल दी गई है। वेरीफाई दैट ऑल पर्सनल्स हैव एग्जिटेड प्रायर टू क्लोजिंग दी कन्फाइंड स्पेस। वेरीफाई करे कि कन्फाइंड स्पेस बंद करने से पहले, उसको कवर करने से पहले तमाम लोग जो उसके अंदर गए थे वो लोग बाहर आ गए हैं। अश्योर एडिक्वेट प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू द एंट्रेंस बाय वेरीफाइंग एडिक्वेट लॉकआउट टैग आउट एंड ऑल हैजर्ड्स आर सिक्योरली आइसोलेटेड। मेक श्योर करे अश्योर करे कि प्रोटेक्शन जो है, ज़रूरी प्रोटेक्शन, ज़रूरी सेफ्टी जो है वो दस्तयाब है, प्रोवाइड की गई है। तमाम लोग जो उसके अंदर दाखिल होकर काम कर रहे हैं, कारकुन लॉकआउट टैग आउट की शक्ल में तमाम हैजर्स जो है वो सिक्योर हैं, तमाम मशीनरी जो है आइसोलेटेड है। वेरीफाई दी होल वॉचर इज कंट्रोलिंग एक्सेस एग्रेस ऑफ कन्फाइंड स्पेस। वेरीफाई करें कि जो होल वॉचर है वो कन्फाइंड स्पेस की एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल कर रहा है या नहीं। टू मेक श्योर दैट ऑल पर्सनल इन्वॉल्व आर अवेयर ऑफ हैजर्ड्स एंड कंट्रोल्स एसोसिएटेड विद दी कन्फाइंड स्पेस। मेक श्योर करें तमाम लोग ट्रेंड हैं, कॉम्पिटेंट हैं, उनको पता है कि कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या हैजर्ड्स होते हैं और उनके कंट्रोल मेजर्स क्या क्या हैं। वेरीफाई दैट ऑल पर्सनल हैव डिपार्टेड प्रायर क्लोजिंग दी कन्फाइंड स्पेस। ये ऊपर वाली बात आ गई कि वेरीफाई करें तमाम लोग वहाँ से चले गए हैं कन्फाइंड स्पेस को बंद करने से पहले। नेक्स्ट है होल वॉचर, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। हैव CES एंड वैलिड होल वॉचर ट्रेनिंग। उसके पास कन्फाइंड स्पेस एंट्री या होल वॉचर की प्रॉपर एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। अवेलेबल विद मैंशनड आइटम आइडेंटिफिकेशन, वेस्ट, एयर हॉर्न, कन्फाइंड स्पेस, लॉक शीट एंड टैलीबोर्ड। उसके पास तमाम चीज़ें दस्तयाब होनी चाहिए, जैसा कि उसमें आइडेंटिफिकेशन वेस्ट है, एयर हॉर्न है लोगों को अलर्ट करने के लिए, कन्फाइंड स्पेस, लॉक शीट और टैलीबोर्ड है। मेंटेन प्रॉपर कम्युनिकेशन विद वर्कर इनसाइड CSE। कन्फाइंड स्पेस एंट्री के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट करना चाहिए पूरा टाइम उसको। मस्ट पोर्ट CSE सर्टिफिकेट आउटसाइड CSE। उसका जो सर्टिफिकेट है वो बाहर लगा के रखना चाहिए जिससे लोगों को पता चले कि इसके पास सर्टिफिकेट है, ये एक सर्टिफाइड बंदा है। मस्ट मेंटेन प्रॉपर वेंटिलेशन एंड लाइटिंग, 24 वोल्ट अरेंजमेंट एट ऑल टाइम्स। जैसे पहले जिक्र किया कि हम लोग 220 वोल्ट कन्फाइंड स्पेस के अंदर यूज़ नहीं करते, जस्ट 24 वोल्ट ही या 12 वोल्ट ही हम उसके अंदर यूज़ करते हैं। मस्ट चेक वैलिड परमिट बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ जॉब। कोई भी काम कन्फाइंड स्पेस में करने से पहले वैलिड परमिट वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। एंश्योर दैट गैस टेस्ट हैज़ बीन डन बाई AGT। एंश्योर करे कि ऑथराइज गैस टेस्टर ने आके गैस टेस्ट कर लिया है। वर्कर्स वर्किंग इनसाइड CSE आर विद प्रॉपर PPEs। कन्फाइंड स्पेस एंट्री के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको मेक श्योर करे कि उन्होंने रिक्वायर्ड और प्रॉपर PPE पहना हुआ है या नहीं। मस्ट इंश्योर दैट अवेलेबिलिटी ऑफ एयरलाइन BA इफ रिक्वायर। इंश्योर करना चाहिए कि अगर ब्रीथिंग अपरेटस चाहिए तो उसकी एयरलाइन लगी है या नहीं। पर्सनल्स आर एक्सप्लेन अबाउट दी एक्शन टू टेक इन केस ऑफ जनरल अलार्म और गैस अलार्म। जो कन्फाइंड स्पेस एंट्री के अंदर लोग काम कर रहे हैं उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है कि इन केस अगर कोई अलार्म बजता है या गैस अलार्म बजता है तो आपने क्या करना है, क्या एक्शन लेना है। रेस्क्यू प्लान इज इन प्लेस एंड अटैच्ड विद परमिट। रेस्क्यू प्लान जो है अपनी जगह पे मौजूद है और परमिट के साथ अटैच्ड है या नहीं। होल वॉच टू रिकॉर्ड पर्सनल इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस ऑन एंट्री एग्जिट लॉक शीट।
प्रॉपर उसको वॉच करता रहे और रिकॉर्ड करता रहे तमाम लोगों के नाम जो जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर इन और आउट हुए हैं अपनी एग्जिट एंट्री लॉग शीट पे, होल वॉच कम्युनिकेशन विद पर्सनल इनसाइड कन्फाइंड स्पेस विद रेस्क्यू टीम, विजुअल वर्बल विसल टैग लाइन, ये तमाम तरीके हैं कम्युनिकेशन के होल वॉचर जो है कम्युनिकेट करेगा तमाम लोगों से जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर है, और रेस्क्यू टीम के साथ भी इन टच रहेगा चाहे वो विजुअल हो चाहे वर्बली हो चाहे विसल के साथ हो टैग लाइन हो या जो है मोबाइल फ़ोन जो आपका वॉकी टॉकी है उसके थ्रू। नेक्स्ट है इंट्रेंट, दे शुड हैव रिसीव एडिक्वेट ट्रेनिंग, जो इंट्रेंट है उनके पास प्रॉपर एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, बी फिजिकली फिट होने चाहिए, नॉट सफर फ्रॉम एनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, किसी भी किस्म का उन्हें इशू नहीं होना चाहिए चाहे वो फिजिकल हो साइकोलॉजिकल हो, टू इमीडिएटली एग्जिट अ स्पेस विदाउट क्वेश्चन अपॉन वर्ड ऑफ अटेंडेंट नो मैटर वॉट इज द रीज़न, फौरन जब भी उनको अटेंडेंट जो है कुछ कहेगा होल वॉचर कुछ कहेगा बाहर आने के लिए तो उनको काम है कि फौरन वो कन्फाइंड स्पेस खाली कर देना जो भी वजह हो कोई भी सवाल पूछने से पहले, टू फॉलो ऑल सेफ्टी रूल्स एंड प्रोसीजर डेट अप्लाई टू दी जॉब, जो जो उस जॉब के ऊपर सेफ्टी रूल्स और प्रोसीजर अप्लाई होते हैं उन सबको फॉलो करें, टू बी फेमिलियर विद दी वर्क टू बी परफॉर्म्ड एंड प्रोसीजर्स डेट अप्लाई टू दी जॉब, जो जो काम करने के दौरान प्रोसीजर जो परफॉर्म होते हैं फेमिलियर होना चाहिए उनके साथ काम करने के नोयत के हिसाब से जो जो प्रोसीजर उसके ऊपर अप्लाई होते हैं उन तमाम के साथ उनको फेमिलियराइज होना चाहिए पता होना चाहिए कि इस काम के लिए ये प्रोसीजर है। ये एक एग्जांपल है स्टैंड बाय मैन की, उसके अंदर वेंटिलेशन है गैस ऑक्सीजन डिटेक्टर्स उसके पास हैं परमिट एंट्री उसके पास वो लगा हुआ है और रेडियो कॉन्टैक्ट है।